हाय दोस्तों, वेलकम है चैनल टेक्नो खजा में आपका। मेरा नाम है खजा और आप देख रहे हैं टेक्नो खजा। तो दोस्तों, आज आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ मैं इस वीडियो में। तो जो भी फ़ोन पे यूज़र्स है, तो ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है फ़ोन पे यूज़र्स के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और एक वेबसाइट पर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन छपी हुई है। तो वहाँ से आपको मैं जो भी है वो दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि क्या वो इन्फॉर्मेशन है। तो चलते हैं उस वेबसाइट पर और जानते हैं कि क्या जो है फ़ोन पे के इम्पोर्टेंट होने वाला है इस पर। तो दोस्तों, ये वो वेबसाइट है इंडिया टुडे की, जो जिस पर आर्टिकल छपा हुआ है। तो ये मैंने आर्टिकल पूरा पढ़ लिया है, बस आपको मेन मेन पॉइंट इस पर जो है मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि 50 रुपये के नीचे जितने भी आप रिचार्जेस करोगे, तो उसके ऊपर जो है कोई भी आपका ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं कटेगा 50 रुपये के से नीचे के जितने भी रिचार्जेस करने पर। तो दोस्तों, 50 से लेकर 100 तक जितने भी आप रिचार्ज करेंगे, तो उस पर आपको ट्रांजेक्शन 1 रुपया चार्ज लगेगा। जो भी आपका ट्रांजेक्शन फ़ी है, उस पर आपका 1 रुपया कट होगा। और 100 रुपये से ज़्यादा आप जितने भी रिचार्ज करेंगे, चाहे 101 ही क्यों ना हो, तो आपको दो रुपये जो है ट्रांजेक्शन फ़ीस यहाँ पर कट हो जाएगी। ट्रांजेक्शन चार्ज फ़ोन पे जो है काट लेगा। तो यहाँ पर ये यह इन्फॉर्मेशन मिली है कि 50 से नीचे से जितने भी रिचार्ज करोगे, तो उस पर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। और 50 से 100 तक आप रिचार्ज करोगे, तो उस पर 1 रुपया लगेगा। और 100 के बाद जो भी 100 रुपये के बाद जितना भी आप रिचार्ज करोगे, उस पर आपको 2 रुपये ट्रांजेक्शन काट लेगा यहाँ पर फ़ोन पे रिचार्ज के। तो बस दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बस ये एग्जैक्ट आप हम कह नहीं सकते कि इसका कोई यहाँ पर एग्जैक्ट डेट नहीं आई है कि ये कब से लागू होगा कब से नहीं। बस यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो फ़ोन पे है वो रिचार्जेस करने पर 1 रुपया 2 रुपये जो है चार्जेस फ़ी कट करेगा रिचार्ज करने पर। तो इसकी एग्जैक्ट डेट यहाँ पर पता नहीं चली है, चाहिए हो सकता है फ्यूचर में ये लागू हो जाए, अभी हम कह नहीं सकते। बस एक न्यूज़ के मुताबिक हम यहाँ पर जो है बता रहे हैं, फ्यूचर्स में शायद हो जाए या नहीं भी हो सकता है, ये आगे फ़ोन पे डिपेंडेंट है। तो इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझा मैं यहाँ पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ये वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक भी ज़रूर करना और कमेंट करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेशन के वीडियोस को जानने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ही इन्फॉर्मेशन के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।